एक वेल नोन ब्रांड की क्वालिटी यही होती है कि वो अपने कस्टमर्स के फीडबैक को सीरियस ले, उनके फीडबैक को सुने और अपने कस्टमर्स के साथ लॉयल रहे। बुरी चीज क्या है? बुरी चीज ये है, फैब्रिक के अंदर आप देख रहे होंगे अजीब सा रुआ बाहर आ गया था। अगर मेरी आवाज dominance.pk तक जा रही है तो मैं ये जरूर उनको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ क्वालिटी के इश्यूज हैं आपके प्रोडक्ट्स के अंदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फोरम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वीडियो के हवाले से थोड़ी सी एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं स्पेसिफिकली ट्रैवल से रिलेटेड, उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये वीडियो किसी ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं है, किसी राइड से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो के थंबनेल से या इस वीडियो के टाइटल से इस वीडियो को देख रहे हैं और गियर्स से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ही आप इस वीडियो को देखें, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, यह वीडियो आपके लिए नहीं है। आज की वीडियो के हवाले से मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में मैं अपने ग्लव्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मेरा dominance.pk के साथ रहा, वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरा उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा, उन ग्लव्स के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। तो ग्लव्स बिल्कुल मेरे सामने पड़े हुए हैं, मैं आपको ग्लव्स दिखा देता हूँ। पहले तो ये ग्लव्स थे जो कि मैंने dominance.pk से ऑर्डर किए थे और ऑर्डर करने के बाद ये मुझे हार्डली 3 से 4 दिन के अंदर ये ग्लव्स रिसीव हो गए थे। इन ग्लव्स के अंदर ऐसा क्या मसला आया कि मैं बड़ा शॉक्ड हुआ इन ग्लव्स को देखकर और इन ग्लव्स को यूज़ करके। देखकर तो नहीं कहूँगा, अलबत्ता यूज़ करके मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ कि यार इस तरह की क्वालिटी आपको दी जा रही होती है जब आप किसी अच्छे ब्रांड को आप देख रहे होते हो या जो इस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, अगर आप उनको फॉलो कर रहे होते हो तो ही आपको पता चलता है कि अच्छा क्या ब्रांड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सबसे पहले इस ग्लव्स की बात कर लेते हैं। इस ग्लव्स को मैंने यूज़ किया था तो जस्ट हाफ एन आवर के अंदर इस ग्लव्स का फैब्रिक जो था उसमें ये इश्यूज़ आना स्टार्ट हो गए थे। मैं आपको क्लोज करके दिखा रहा हूँ कि ये इश्यूज़ आना स्टार्ट हुए। आई वॉज लाइक कि यार ये क्या चीज़ है, और बिल्ड क्वालिटी जब मैंने देखी थी इसकी तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था कि यार बहुत अच्छे हैं, वेलक्रो बहुत कमाल का है, नकल्स जहाँ पर मौजूद थे वेंटिलेशन के लिए अगर आप देखें तो मैश जोन रबर एग्जॉस्ट इसके बिल्कुल फ्रंट पे मौजूद हैं, एडजस्टेबल वेलक्रो साइज इसका था। मतलब जो भी एक राइडर को चीज़ें चाहिए होती हैं अपने हिसाब से आप इसको टाइट कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर एक ग्लव्स के अंदर मौजूद थी। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस ग्लव्स के बारे में क्या लगी थी, फिंगर टिप टेक्नोलॉजी जो है, जो फैब्रिक यूज़ किया गया है वो बहुत कमाल का था। ये देखें मैं यूज़ कर रहा हूँ, वन गो में सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप ये देखें यहाँ पर तो मैं आपको, ये आप देख रहे होंगे मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ये बैक कर रहा हूँ, बैक हो रहा है, मतलब प्रॉपरली काम कर रहा है। और इसके अलावा अगर फेसबुक को स्क्रॉल कर लें तो आप फेसबुक देख सकते हैं, मतलब आप ये देख रहे हैं कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है इसका फिंगर टिप। मोस्टली प्रो बाइकर्स के जो आपने देखा होगा फिंगर टिप उसका यूज़ करना बेकार है, उसमें मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी इसकी जो अच्छी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। बुरी चीज़ क्या है? बुरी चीज़ ये है, आप फैब्रिक के अंदर आप देख रहे होंगे अजीब सा रुआ बाहर आ गया था। ये जस्ट और जस्ट आधे घंटे के अंदर अंदर हुआ था मेरे साथ। देन उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसके बाद कुछ दोस्तों से इस चीज़ को डिस्कस किया, उन्होंने मुझे बताया कि यार देखो तुम्हें उनको अप्रोच करना चाहिए, उनको अप्रोच करो, उनको बताओ कि यार ये क्वालिटी आपकी इस तरह की मुझे मिली है। और मैंने भी यही सोचा और हमें सूलन करना भी यही चाहिए कि उसका एटलीस्ट फीडबैक शेयर करना चाहिए। मैंने dominance.pk का चैट सपोर्ट जो है वहाँ पर मैसेज ड्रॉप किया, मैंने इनको अपना कंसर्न बताया कि यार ये मेरा कंसर्न है, ये मैंने आपसे एक प्रोडक्ट जो था वो बाय किया था और उस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद मेरा उसके साथ बड़ा ही कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है, विद इन हाफ एन आवर मैं राइड कर रहा हूँ और उसका ये हाल हो गया है। तो देवर वेरी पोलाइट, देवर वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने कोऑपरेट किया मेरे साथ। अगली उन्होंने कोई मेरी बात ही नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है आप, मैंने उनको रेफरेंस के तौर पर पिक्चर्स भेज दी थी कि ये आपका प्रोडक्ट था, ये मेरा ऑर्डर नंबर था, ये मैंने आपसे ऑर्डर किया था और ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर किया था, लाइक 3.5 मंथ इसको इस ऑर्डर को हो गए हैं, ये बहुत पुराना ऑर्डर है। तो उन्होंने मुझे अगली बात ये बोली कि भाई आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, हम आपको एक और प्रोडक्ट जो है वो भेज रहे हैं, वो आप रखें
और ये हम आपको रिप्लेस करके दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आई वॉज लाइक लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट, उन्होंने मुझे कहा, मेरे पास चैट है, मैं ऐड कर दूंगा, आप चैट भी बेशक देख लीजिएगा। वो पार्सल मुझे रिसीव हो गया है फाइनली Dominance.pk का, जो कि मुझे उन्होंने रिप्लेसमेंट का भेजा था। उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको एक और ग्लव्स जो है वो आपको दे रहे हैं। ये प्रोडक्ट मेरे पास है, इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। आई डोंट नो ये प्रोडक्ट किस तरह का रहेगा, देखने में ये सेम प्रोडक्ट उसी तरह का ही है, और मुझे नहीं पता कि इसका फैब्रिक किस तरह का है, क्योंकि मैंने जब ये लिया था नया नया उस वक्त मेरा एक्सपीरियंस और मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन जो था, फर्स्ट लुक जो था, वो बहुत ही अलग था। उसके बाद आधे घंटे के बाद लेकिन आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि यार Dominance.pk की क्वालिटी बहुत फारिग है। मैंने इनसे एक बैग भी जो है वो ट्रैवल के लिए मैंने एक बाय किया हुआ है, मैंने अभी तक उसको यूज़ नहीं किया, मुझे नहीं पता कि इसकी क्वालिटी किस तरह की है। साथ ही साथ Dominance.pk को मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर दीज ग्लव्स। इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग बहुत सपोर्टिव रहे, आप लोग बहुत कोऑपरेटिव रहे, और आप लोगों ने मुझे ग्लव्स जो हैं वापस दोबारा से भेज दिए हैं। आई होप कि ये उस तरह से ख़राब ना हो जिस तरह से मेरे दूसरे वाले ग्लव्स ख़राब हुए हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी, मैं छोटी सी माइनर सी चीज़ है, कहने को तो बहुत माइनर सी है, लेकिन अगर मेरी आवाज़ Dominance.pk तक जा रही है तो मैं ये ज़रूर उनको बताना चाहूँगा कि क्वालिटी को थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। अब ये मैंने अभी अभी अनपैक की है, तो इसके अंदर यहाँ पर आपको एक एग्जॉस्ट पोर्ट्स जो हैं उसके अंदर को नज़र आ रहा हो, तो ये एक छोटा सा आप देखें अंदर से जो इन्होंने डिज़ाइन बनाया हुआ है वो डिज़ाइन टूटा हुआ है। इनफैक्ट वो दूसरे ग्लव में भी जो है वो टूटा हुआ है। इसमें कुछ क्वालिटी के इश्यूज़ हैं आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, आई एम सॉरी टू से दिस, लेकिन ये मैंने अभी अनपैक किया है, सीरियसली मैंने अभी अनपैक किया है। मैं एक पिक्चर लेकर वो ऐड कर दूंगा, आप ऑनेस्टली आप एक चीज़ देखेंगे तो आपको ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये अगर आप देख रहे हो तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी, ये मैंने लिटरली अभी अनपैक किया है। इसमें आप यहाँ पर ये देखें एग्जॉस्ट वाला जो पार्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट्स जो हैं इसके अंदर से वो चीज़ टूटी हुई है। नकल्स के ऊपर अगर आप देखें तो लाइक ऐसा लग रहा है जैसे नकल सपोर्ट वाला पार्ट किसी ने रगड़ दिया है कहीं पर। ये क्वालिटी है, लाइक Dominance.pk बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये बहुत कम ब्रांड ऐसे होते हैं जो एक दफ़ा देने के बाद रिप्लाई भी नहीं करते, लेकिन मैं आप लोगों को प्लीज़ इस चीज़ पे कहूँगा कि आप लोग क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि जिसका एक दफ़ा का एक्सपीरियंस होगा वो दूसरी दफ़ा कभी भी वापस नहीं आएगा। और बस यही मेरा एक मैसेज था, यही मेरा एक्सपीरियंस था मेरे ग्लव्स को लेकर, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि यार आने वाली नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। फॉरम साइनिंग आउट, अल्लाह नेकबान।